बठिंडा छावनी च मुड़ चली गोली, सिर च गोली वजन नाल जवान दी हुई मौत, खुदकुशी दा जताया जा रहा है शक। बीते दिन बठिंडा दे मिलिट्री एरिया दे विच गोलियां मार के कतल किए गए चार फौजी जवानों का मामला हजे ठंडा भी नहीं पाया सी कि देर शाम एक होर मामला सामने आया है। दसा जाता है कि मिलिट्री के यूनिट LOC दफ्तर के नेड़े गोलियां की आवाज सुनाई दिती है और जिस तो बाद एक नौजवान की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यह शक जताया जा रहा है कि नौजवान अपनी राइफल साफ कर रहा है जिस दौरान उसकी मौत हो गई या फिर इसनों खुदकुशी भी कहा जा रहा है। दूजे पास इस मामले नू मारे गए चार जवानों के कतल मामले के नाल जोड़ के भी वेख्या जा रहा है। बीते दिन जांच पड़ताल के दौरान यह भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि दो अनपछाते व्यक्तियों के वालों इस वारदात को अंजाम दिया गया है। ते नाल ही कहा जाता है कि घटना तो तुरंत बाद उथे ड्यूटी ते तैनात फौज के जवानों के वालों दो अनपछाते व्यक्तियों को मुंह ढक के कुर्ते पजामे के विच वेख्या गया सी। यह भी दसा जाता है कि उस दे विचों एक ने अपने हाथ के विच इंसास राइफल फड़ी हुई सी ते दूजे ने कुहाड़ी। जवानों की नजर पैण ते दोवें जंगल के वल भज रहे सन अते इस तो बाद शाम के वेले एक होर कतल का मामला सामने आता है। इस मामले के बारे पुलिस के वालों जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि रजिस्टर्ड FIR दे विच दर्ज करवाए बयानों के मुताबिक चार जवानों नू कतल करने तो बाद आरोपी व्यक्ति पंजवें जवान नू भी कतल करना चाहते सन पर उसकी बैरक बंद होने कारण अजिहा नहीं कर पाए। जिक्रयोग है कि फिलहाल मृतक फौजी की लाश मिलिट्री हस्पताल की मोर्चरी के विच रखवाई गई है और पुलिस के वालों इस मामले की होर गंभीरता के नाल जांच शुरू कर दी गई है। बठिंडा तो जगसीर भुल्लर की रिपोर्ट, गढ़दी कला, टाइम TV।